नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वे मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ते हैं। हरियाणा जीके में भी अपन आज पढ़ेंगे जो HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, उन पेपरों में आए हरियाणा जीके के प्रश्न पढ़ेंगे कि इससे अपने को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 100, 200, 500% करेंगे तो उनसे थोड़ा अंदाज हो जाएगा कि HSSC के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन उठाता है तो कहाँ से उठाता है, कहाँ से नहीं उठाता। वैसे तो करके पैटर्न फिक्स नहीं था पहले, लेकिन अभी पैटर्न फिक्स किया है। तो आज पढ़ेंगे आप HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पहले आए हुए प्रश्न, HSSC द्वारा पूछे गए पिछले सालों के प्रश्न, हरियाणा के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो प्रश्न है हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम, क्या हो गया पेन को, हाँ, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जिला महेंद्रगढ़ नाम आते हैं अपने को दिमाग में, क्या दिख नहीं रहा क्या, कंफर्ट, हाँ, हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और, चलो तो आप सभी को पता होगा ये प्रश्न पिछली बार CET का जो पेपर हुआ था ग्रुप सी के लिए, उसके अंदर पूछे गए प्रश्न है सारे। तो हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, अगर बात करें सत्यमेवपुरम, पहला ऑप्शन, सत्यमेवपुरम की बात करें तो सत्यमेवपुरम किसे कहा जाता है, सत्यमेवपुरम नाम है मेवात का, किसका नाम है जी, मेवात का, सत्यमेवपुरम किसका नाम है, मेवात का नाम है। मेवात को नू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नूह कहा जाता है, कहा जाता है ना मेवात को नू। सत्यमेवपुरम कैसे कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, जब हरियाणा जो भारत आजाद हुआ था 1947 की बात है, 1947 में जब भारत आजाद हो गया था, तो आजाद होने के बाद महात्मा गांधी जी, कौन, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी अपने हरियाणा आए तो मेवात में चले गए, तो उन्होंने देखा वहाँ के जो मुसलमान थे, मेव जाति के प्रजाति के लोग थे, मेव जाति के लोग थे, वो क्या पाकिस्तान की तरफ पलायन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ पलायन कर रहे थे। तो पाकिस्तान में पलायन कर रहे थे, महात्मा गांधी जी ने उन सभी को आश्वासन दिया, उन सभी को बताया कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में सुरक्षित रहोगे, इस बात की मैं आप सभी से वादा करता हूं, आप सभी को वचन देता हूं। वहीं पे उन्होंने सत्यमेवपुरम, सत्यमेव जयते या सत्यमेवपुरम का एक नारा दिया, इसी जगह को सत्यमेवपुरम कहने लगे। बाद में इसे मेवात के नाम से जाने लगा, इसे नूह के नाम से जाना जाने लगा। मेवात या नूह की बात करें अपन, तो मेवात में एक बड़ी फेमस कॉलेज है, HSSC बार बार पूछती है, हसन खान मेवाती कॉलेज, कौन सी जी, हसन खान मेवाती कॉलेज, ये जी नल्लड़ में, कहाँ पे जी, नल्लड़ में हसन खान मेवाती कॉलेज है मेवात के अंदर। शेख मूसा की मजार बहुत बार पूछी गई है HSSC द्वारा, शेख मूसे की मजार, मूसे की मजार, रतवई नृत्य बहुत, जो HSSC में जो पहले रिपीट हो रहे हैं प्रश्न उनकी बात करेंगे अपन, बिना फालतू के प्रश्नों की बात नहीं करेंगे। रतवई नृत्य यहीं पे किया जाता है मेवात के अंदर ही। आपने कभी नाम सुना चंदेली उजीणा झील, कौन कौन सी, चंदेली उजीणा झील, ये भी कहाँ पे है, मेवात में। अपन ने पूछा था कि हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका उत्तर आएगा जी कानोड़, क्या आएगा, कानोड़। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कानोड़। महेंद्रगढ़ की बात कर लें तो इसका उत्तर कानोड़ आएगा। ऐसे कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ को कानोड़ या ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, किनके द्वारा बसाया गया था, कानोड़ या ब्राह्मणों के द्वारा। महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जिसका मुख्यालय खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल के अंदर है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पे, नारनौल के अंदर है।
और बात करें अपन महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में एक चामुंडा देवी का मंदिर है, बड़ा फेमस है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए फेमस, निचला पर्सन दे रखा गया, लाख की चूड़ियों के लिए फेमस कौन है, महेंद्रगढ़ ही है। कौन है जी? महेंद्रगढ़ की लाख की चूड़ी बड़ी फेमस है। खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में, क्या पाए जाते हैं? खनिजों में खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? महेंद्र, सारे खनिज हो गए, कणकरे से खनिज महेंद्रगढ़। अगर तानो उतरना विवेर हो तो महेंद्रगढ़ चेप दियो, लगभग लगभग 90% सही पाओगा। ठीक, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, सॉरी पिछड़ा हुआ स्टेट है, क्या जी? महेंद्रगढ़। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक का नाम आ गया तो आपको याद होना चाहिए औद्योगिक सिटी और औद्योगिक विहार कौन से, मैंने आपको बताया था, एक तो फरीदाबाद रे गुड़गांव, बताया था ना आपको। अच्छा जी, कपिल वस्तु किसका पुराना नाम है? कपिल वस्तु पुराना नाम है जी कैथल का। किसका है जी? कैथल का। हनुमान जी की नगरी जिसे कहा जाता है कैथल, कैथल का पुराना नाम क्या है? कपिल वस्तु। इस्पात नगरी की बात करें तो इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? मैग्नेट सिटी। क्या जी? मैग्नेट सिटी, मैग्नेटिक सिटी या मैग्नेट सिटी कहा जाता है। किसको? हिसार को। फिरोज शाह तुगलकदार बसाए गए, चार गेट हैं हिसार के। तो पहला प्रश्न अपना हो गया, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है जी? कानोडिया। क्या नाम है जी? कानोडिया नाम है। चलो आगे बात करते हैं, लाख की चूड़ी कहाँ की फेमस है? लाख की चूड़ी कहाँ की फेमस है? तो लाख की चूड़ी महेंद्रगढ़ की बड़ी फेमस है, लाख की चूड़ी महेंद्रगढ़ की बड़ी फेमस है। अच्छा जी, महेंद्रगढ़ हो गया। मैंने आपको महेंद्रगढ़ के बारे में पाँच सात चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक 2008-09 में खुली थी। कब खुली थी? 2008-09 में। कहाँ पे जी? जंतपाली के अंदर। कहाँ पे जी? जंतपाली महेंद्रगढ़ में। हाँ, रेवाड़ी की बात करें तो इसे पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रेवाड़ी को? पीतल नगरी कहा जाता है। रेवाड़ी क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है रेवाड़ी को। इसके अलावा रेवाड़ी की और बात करें तो रेवाड़ी 1989 में बना था। ये चार जिले एक साथ बने थे, मैंने बताया था आपको, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत बना था। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी का बड़ा फेमस है। कौन सा मंदिर है जी? एक घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी सिटी के अंदर ही है। तुम हमने काफ़ी बार देखा है। एक सैंड पाइपर का नाम सुना है? सैंड पाइपर पर्यटक स्थल, वो भी रेवाड़ी के अंदर है। जंगल बबलर, कौन सा जी? जंगल बबलर भी कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर ही है। रानी की बाव भी कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं पानीपत की। तो रेवाड़ी और पानीपत दोनों एक साथ बसाए गए थे 1989 में, एक साथ स्थापना हुई थी दोनों की, पानीपत की रेवाड़ी की। यहाँ बू अली कलंदर शाह बड़ी फेमस दरगाह है यहाँ पे, बू अली कलंदर शाह की। तीन युद्ध हुए थे पानीपत के, आप सभी को याद होगा, 1526-56 और 1761 है, तीन युद्ध हुए थे पानीपत में। इसके अलावा बात करें अपन अम्बाला की, आमों की नगरी कहा जाता है ना। आमों का मेला बोलेगा तो पंचकुला में लगता है। आमों का मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में। लेकिन आमों की नगरी किसको कहा जाता है? अम्बाला। आम सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। हरियाणा की वैज्ञानिक, जो हरियाणा के अंदर जो इंडिया के अंदर जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं ना, वैज्ञानिक उपकरणों का 20-25% हिस्सा कहाँ बनता है? अपने अम्बाला में। इसे मिक्सी सिटी के नाम से जानता है, वैज्ञानिक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अच्छा जी, प्रश्न है तलवारों का किला कहाँ पे? तलवारों का किला, इसे ही हाशिया का किला कहते हैं। हाशिया का किला लेते हैं तो कोई इसे हाशिया का किला कह देता है, कोई क्या कह देता है? हाशिया का किला। हाशिया का किला या हाशिया किला जो है ना, उसे ही तलवारों का किला कहा जाता है। जो हाशिया का किला 12वीं शताब्दी के अंदर अपने पृथ्वीराज सिंह चौहान जी द्वारा बनवाया गया था ना, हाँ, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी द्वारा बनाया गया था। उसके अंदर बाद में आनंदपाल सिंह तोमर के कोई वंशज से, तोमर वंशज से था, उन्होंने क्या किया, इस किले के अंदर तलवार बनाने की, तलवार निर्माण फैक्ट्री लगाई थी। क्या लगाई थी यहाँ पे? तलवार निर्माण फैक्ट्री। तो उसके बाद में इस जो किले का नाम था वो क्या नाम हो गया? तलवारों का किला हो गया। ये कहाँ पे जी? हाँसी हिसार में।
कहाँ पे जी? पहला ऑप्शन राइट है, हांसी हिसार में। हांसी की अगर अपन बात करते हैं तो हांसी में के अंदर एक जैन मंदिर है, क्या है जी? जैन मंदिर है। हांसी के पेड़े बड़े फेमस हैं, क्या फेमस है जी? हांसी के पेड़े। हिसार की बात करें तो अग्रोवा, अग्रोवा का नाम सुना था, महाराज अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी, महाराज अग्रसेन की राजधानी क्या हुआ करती थी? अग्रोवा। और अगर हांसी की बात करें तो हांसी हरियाणा का पहला पुलिस जिला था, कौन सा था पहला पुलिस जिला? कौन सा था? हांसी था वो हरियाणा का पहला पुलिस जिला था, फर्स्ट पुलिस जिला, प्रशासनिक जिला नहीं था ये, पुलिस जिला था। प्रशासनिक जिले 22 हैं, पुलिस जिले कितने? अब पहले दो हुआ करते थे, अब तीसरा घोषित कर दिया, वो कब बनता है कब नहीं बनता वो देखा जाएगा। एक तो हांसी, दूसरा मानेसर है जी जो अपने गुड़गांव के अंदर, तीसरा जो अभी घोषित हुआ है वो डबवाली है। कौन सा है जी? डबवाली। डबवाली कहाँ पे जी? सिरसा के अंदर है। मानेसर कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर। तो पुलिस जिले अब तीन हो जाएंगे, पहले दो हुआ करते, पुलिस रेंज कितनी होगी? चार होगी। चलो आगे बात कर दे, कैथल को कपिल वस्तु कहा जाता है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, कैथल को कपिल वस्तु कहा जाता है। पलवल की बात कर लें तो मटिया का किला कहाँ पे? मटिया का किला, अगला प्रश्न क्या है? मटिया का किला कहाँ पे? ये पलवल के अंदर ही है साहब, कहाँ पे? पलवल के अंदर ही है। किसका? मटिया का किला। पंचकुला की बात कर लें, पलवल की आरक्षित सीट कौन सी है? होडल है। कौन सी पलवल की आरक्षित सीट? होडल है। पंचकुला की बात करें, पंचकुला की स्थापना 1995 में हुई थी, सॉरी, यहाँ पे HMT फैक्ट्री है, बड़ी फेमस है। उत्तर भारत का नंदनवन, नंदनवन उत्तर भारत का नंदनवन, उत्तर भारत का नंदनवन, यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन वो भी यहीं पे है। HPSC HSSC जितने भी अपने हेडक्वार्टर ज्यादातर का मुख्यालय भी कहाँ पे? पंचकुला के अंदर है। पिंजोर मोरनी हिल्स भी कहाँ पे हैं? पंचकुला के अंदर ही है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है सरकार। चलो आगे बात करते हैं, मटिया का किला कहाँ पे है? मटिया का किला मैंने आपको बताया पलवल के अंदर है। कहाँ पे जी? पलवल के अंदर है। फरीदाबाद की बात करें, सेकंड ऑप्शन किसकी? तो आप सभी को पता होगा फरीदाबाद में कोई सीट आरक्षित नहीं है, क्या जी? फरीदाबाद में कोई सीट आरक्षित नहीं है फरीदाबाद की। एक दो बड़ी फेमस झील है फरीदाबाद की, मैंने आपको बताया होगा, एक तो सूरजकुंड झील या सूरजकुंड मेला लगता है जहाँ पे, क्या लगता है जी? सूरजकुंड, सूरजकुंड झील भी है और वहीं पे क्या लगता है? सूरजकुंड मेला भी लगता है, सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला की बात करें, इसे पहली बार 1987 में लगाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसे 2013 के अंदर दिया गया था ना। अभी हाल ही 2023 के सूरजकुंड मेले की बात करो, फरवरी 2023 में लगा था, उसके अंदर पार्टनर कंट्री सहभागी देश कौन से हुआ करते थे? शंघाई संघ, जो पार्टनर कंट्री था, पार्टनर कंट्री वो थे शंघाई संघ। कौन था जी? शंघाई संघ। कौन हुआ करते थे? शंघाई संघ हुआ करते थे। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो पूछा घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे? कौन सा मंदिर? घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर तो रेवाड़ी के अंदर है जी, कहाँ पे है जी? रेवाड़ी में। रेवाड़ी मैंने आपको बताया जंगल बबलर है, रेवाड़ी के अंदर ही है। रानी की बाव भी कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर ही है। सैंड पाइपर कहाँ पे है? वो भी रेवाड़ी के अंदर ही है, बताया था मैंने। दो चार मंदिर देखते हैं, अच्छे अच्छे फेमस फेमस मंदिर कौन कौन कौन, एक देखो। अगला प्रश्न है भूतेश्वर मंदिर कौन है? दोनों प्रश्न मंदिर के हैं, तो अपन 5-10 मंदिर देखते हैं अच्छे अच्छे। भूतेश्वर मंदिर की बात करें तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे जी? ये जींद के अंदर है जी। कहाँ पे जी? जींद के अंदर है। कहाँ पे जी? जींद के अंदर। चलो मंदिरों की बात करते हैं, तो पहला मंदिर देखते हैं शीतला माता का मंदिर। किसका जी? शीतला माता का, शीतला माता का मंदिर। वो कहाँ पे जी? गुरुग्राम में जी। कहाँ पे जी? शीतला माता का मंदिर कहाँ पे जी? गुरुग्राम में। आदि बद्रीनाथ का मंदिर, आदि बद्रीनाथ का मंदिर, आदि बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पे जी? यमुनानगर के अंदर। नर नारायण गुफा, नर नारायण गुफा की बात करें तो भी कहाँ पे जी? यमुनानगर के अंदर। स्थानेश्वर मंदिर की बात करें, महादेव, महादेव जी का मंदिर है कहाँ पे जी? स्थानेश्वर में।
महादेव जी का मंदिर एक कहाँ पे जी, स्थानेश्वर के अंदर। स्थानेश्वर कहाँ पे जी, कुरुक्षेत्र के अंदर है जी। कहाँ पे जी, कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे बात करें अपन बिरला मंदिर, कौन सा जी कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर है जी, बिरला मंदिर, जिसका निर्माण जुगल किशोर जी ने करवाया था। किसने करवाया था जी, जुगल किशोर जी ने। किसने करवाया था जी, जुगल किशोर जी ने करवाया था। इसी मंदिर के ऊपर अपने जो गीता है ना, उसके सारे श्लोक लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, सारे श्लोक लिखे हुए हैं। इसके अलावा चामुंडा देवी का मंदिर की बात करें तो नारनौल के अंदर है, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी का मंदिर, वो कहाँ पे जी, नारनौल के अंदर अपने, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें माता मसानी, मैंने बता दिया आपको शीतला माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें तो वो कहाँ पे है जी, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक बात करें अपन 51 शक्तिपीठ वाला मंदिर, कौन सा जी, 51 शक्तिपीठ वाला, 51 शक्तिपीठ वाला भद्रकालीन मंदिर, कौन सा मंदिर, भद्रकालीन, भद्रकालीन मंदिर, वो भी कहाँ पे है जी, कुरुक्षेत्र में है जी। कहाँ पे है जी, कुरुक्षेत्र में है जी मंदिर। भीमेश्वर देवी का मंदिर एक तो है, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, एक है भीमेश्वरी देवी का मंदिर, भीमेश्वरी, भीमेश्वरी देवी का मंदिर, देवी का मंदिर। तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है ये पंचकूला के अंदर है जी। कहाँ पे है जी, पंचकूला में। भीमेश्वरी देवी का मंदिर की बात करें तो कहाँ पे है जी, झज्जर में। कहाँ पे है जी ये, झज्जर में। बहुत मंदिर है ऐसे, कोशिश करेंगे अपन दो चार पाँच सात हर क्वेश्चन के साथ कवर करने की। दादा पोता का मंदिर एक बड़ा फेमस है पानीपत के अंदर, दादा पोता का मंदिर, पोता का मंदिर कहाँ पे है जी, पानीपत में है जी। कहाँ पे है जी, पानीपत में। खालड़े वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पे है, खालड़े वाले बालाजी का मंदिर नारनौल में है जी। कहाँ पे जी, खालड़े वाले मंदिर, खालड़े वाले बालाजी कहाँ पे है जी, नारनौल में है जी। चलो आगे देखते हैं प्रश्न, अपन क्या प्रश्न कर रहे थे, अपन कर रहे थे भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे जी, जींद के अंदर है भूतेश्वर मंदिर, जींद के अंदर। और मंदिरों की बात करें तो अपन यहाँ पे एक टपकेश्वर, हटकेश्वर, हटकेश्वर तीर्थ स्थान है, पुष्कर तीर्थ स्थान है जी, पुष्कर, पुष्कर तीर्थ स्थान है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे, बहुत बार रिपीट हो गया है प्रश्न, HSSC अनगिनत बार पूछ चुकी है प्रश्न। शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, हरियाणा का ताजमहल। तो हरियाणा का ताजमहल कौन सा है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है जी, कुरुक्षेत्र में है जी। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे सरकार, कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे सरकार, कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे बात करते हैं अपन अगले ऑप्शन की, कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने 5-7 चीज़ आपको बताया, KU के बारे में बता देता हूँ, 1956 में हुई थी, NIT यहीं पे है, बताई थी मैंने आपको, NIT भी यहीं पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। चलो आगे बात करते हैं अपन करनाल की बात कर लें, चलो सेकंड ऑप्शन करनाल दे रखा है। करनाल की बात करें तो अपन करण झील कहाँ पे है जी, करण झील कहाँ पे है जी, करण झील कहाँ पे, करनाल के अंदर। हरियाणा की पहली NCC अकेडमी कहाँ पे स्थापित हुई थी, पहली NCC अकेडमी, NCC अकेडमी कहाँ पे हुई थी, घरोंडा में। कहाँ पे जी, घरोंडा में। घरोंडा कहाँ पे है, करनाल के अंदर। करनाल की आरक्षित सीट कौन सी, नीलो खेड़ी। इसके अलावा करनाल की बात करें, पहली NCC अकेडमी होगी करनाल में, एक मधुबन जगह है, क्या है जी, मधुबन जगह है। हरियाणा पुलिस की जो भी बंदा तैयारी कर रहा है वो मधुबन को अच्छी तरह से, मधुबन से अच्छी तरह वाकिफ होगा, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस अकेडमी की ट्रेनिंग होती है, हरियाणा पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, मधुबन करनाल में होती है जी। कहाँ पे होती है जी, मधुबन करनाल में। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी कहाँ पे जी, करनाल के अंदर। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी कहाँ पे जी, करनाल के अंदर। डेयरी की बात करें, दुग्ध वाला सिस्टम भी कहाँ पे है जी, करनाल में है जी। दुग्ध वाला सिस्टम भी कहाँ पे है जी, करनाल के अंदर है। इसे करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, पेरिस ऑफ हरियाणा, क्या कहा जाता है जी, पेरिस ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, किसको, करनाल को। चलो कैथल को कपिल वस्तु कहते हैं, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले।
पानीपत के बारे में अपन जिक्र कर चुके हैं, देरी ना करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? पहले नगर निगम की बात करें तो 10 हुआ करते थे, हाल ही रिसेंट में 11 हो गए। शेख चिल्ली का मकबरा मैंने बता दिया, हरियाणा का ताजमहल गलत है। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? नगर निगमों की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल 11 नगर निगम आज के दिन। कितने हैं जी? 11 नगर निगम हैं। 11 11 का नाम याद करने की कोशिश कराऊंगा अपन नगर निगम की। देखो सबसे पुराना नगर निगम की बात करें तो वो है फरीदाबाद। कौन सा है जी? फरीदाबाद। फरीदाबाद पहला नगर निगम हरियाणा का 1994 के अंदर बना था। तो आप ऐसे करो, इनको याद करने के लिए अपन दिल्ली से कहाँ चलेंगे? चंडीगढ़ चलेंगे बाय रोड। दिल्ली से कहाँ चलेंगे? चंडीगढ़ चलेंगे। तो जो जो डिस्ट्रिक्ट बीच में रास्ते में पड़ेगा उसके अंदर क्या है जी? नगर निगम है वो। चलो बात करते हैं, वैसे कर अपने गुड़गांव भी ले लेते हैं। गुड़गांव भी इसके अंदर, गुड़गांव इस साइड पड़ जाता है थोड़ा। गुड़गांव फरीदाबाद हो गया। चलो जी आप स्टार्ट करो। सोनीपत है जी, बिल्कुल। पानीपत पड़ता है बिल्कुल आगे, बिल्कुल है जी पानीपत। उसके बाद में अम्बाला पड़ता है जी, उसके बाद करनाल भी पड़ता है ना बीच में, करनाल है जी, बिल्कुल है जी करनाल भी। क्या है जी? करनाल है जी। उसके आगे की बात करें तो अम्बाला है जी। कौन सा है जी? अम्बाला। उसके आगे की बात करें तो यमुनानगर साइड में पड़ जाता है, वो भी है जी। उसके आगे की बात करें तो अपन पंचकूला है जी। क्या है जी? पंचकूला है। तो छह तो ये हो गए जी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला। दो मैंने आपको बताया फरीदाबाद, गुड़गांव। इसके अलावा एक गुड़गांव के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मानेसर नया नगर निगम बनाया। कौन सा बनाया जी? मानेसर। क्या बनाया? नया नगर निगम बनाया। अच्छा जी, नौ हो गए। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं जी? सारे के सारे ये बात करें तो हरियाणा में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं जी नगर निगम? ये 11 11 हरियाणा के नए नगर निगम हैं। तो ये H4 याद कर लो, अगला H4 हिसार याद कर लो, R4 रोहतक याद कर लो। तो 11 नगर निगम पूरे पूरे हो गए। मानेसर की बात करें तो ये हरियाणा का सेकंड पुलिस जिला भी है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। पुलिस जिला है दूसरे वाला। पहला की बात करें तो वो हांसी है। तीसरा हरियाणा सरकार द्वारा भी घोषित किया गया है, वो डबवाली को बनाया जाएगा। ये प्रशासनिक जिले नहीं है। डबवाली कहाँ पे जी? सिरसा के अंदर है। ये केवल पुलिस जिले हैं, प्रशासनिक जिले नहीं हैं। मानेसर के अंदर एक नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, जिसकी स्थापना 1997 याद अपने को याद आना चाहिए। PGCIL की स्थापना भी 1997 हुई थी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना भी 1997 में हुई थी। अच्छा जी, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। लाल मस्जिद कहाँ पे है जी? कौन सी मस्जिद? लाल मस्जिद कहाँ पे है जी? अगला प्रश्न अपन पढ़ेंगे, लाल मस्जिद कहाँ पे है। तो लाल मस्जिद की बात करें अपन, तो लाल मस्जिद हरियाणा के अंदर दो हैं। कितनी है जी? दो हैं। कहाँ कहाँ पे हैं दोनों? देखो एक तो रेवाड़ी के अंदर है और एक रोहतक के अंदर है। दो मस्जिद हैं लाल, रेवाड़ी और रोहतक में। तो रोहतक की तो मस्जिद तो याद करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, ए माई तेरो लाल मेरा दीनी, तेरो लाल मेरा दीनी। लाल से तो लाल मस्जिद होगी, दीनी से एक दीनी मस्जिद है। ठीक, एक शीशे वाला मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, शीशे की दीनी, शीशे वाली मस्जिद भी है। कहां पे जी? रोहतक में जी। तो तीन मस्जिद रोहतक में होगी, लाल, शीशे और दीनी। माई तेरो लाल शीशे की, शीशा की दीनी। तो शीशे से होगी शीशे वाली मस्जिद, दीनी से होगी दीनी मस्जिद, और लाल से क्या होगी? लाल वाली मस्जिद। लाल वाली मस्जिद एक रेवाड़ी के अंदर भी है। एक कहाँ पे जी? लाल की वाली मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है। और मस्जिद की बात करें थोड़ी बहुत, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद, ये कहाँ पे है साहब? सराय अली वर्दी खान की मस्जिद कहाँ पे जी? गुड़गांव के अंदर है। कहाँ पे है जी? गुड़गांव के अंदर है। मूसे की मज़ार मैंने बताया, शेख मूसे की मज़ार थोड़ी देर पहले ही, शेख मूसे की मज़ार, ये कहाँ पे है जी? नूह के अंदर है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, शेख मूसे की
मदार। मुबारक साहब का मकबरा, मुबारक साहब अली, मुबारक साहब, मुबारक साहब का मकबरा, मुबारक साहब। मुबारकबाद किसको दिए हैं जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया ना, चरखी दादरी को देंगे। किसको देंगे? चरखी दादरी को। तो मैंने बताया दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और लाल मस्जिद। लाल मस्जिद दो हैं, एक रोहतक में है, एक रेवाड़ी के अंदर है। दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद दोनों रोहतक में है। तीसरी लाल मस्जिद भी रोहतक में, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद भी है, शेख मूसे की मजार, मुबारक शाह का मकबरा। ये कहाँ पे है जी? अलग अलग जगह मैंने आपको बताया। चलो अगला प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है जी? हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? क्या कह रहे हैं जी? हरियाणा की हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? माउंटेनर, हरियाणा की पहली माउंटेनर कौन है? इसकी बात करें तो इसके अंदर पहला ऑप्शन दे रखा है मांडवी गर्ग, दूसरा अनीता कुंडू, तीसरी संतोष यादव, चौथी शिवांगी पाठक। चारों महिला दे रखी हैं। तो जो हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही थी वो थी संतोष यादव। कौन थी जी? संतोष यादव। ये कहाँ की रहने वाली हैं जी? रेवाड़ी की। कहाँ की हैं जी? रेवाड़ी। रेवाड़ी में जोनियावास गांव पड़ता है। कौन सा जी? जोनियावास गांव, वहाँ की रहने वाली। ये हरियाणा की पहली पर्वतारोही हुआ करती थी। ये तो फीमेल हुआ करती थी, मेल की बात करें तो कौन था पहला पुरुष पर्वतारोही? पहला पुरुष पर्वतारोही कौन था हरियाणा का? तो पहला मेल हुआ करता था रामलाल। कौन हुआ करता था? रामलाल जी। ये कहाँ के हैं जी? फतियाबाद के। कहाँ के हैं जी? फतियाबाद के। तो पहला मेल की बात करेगा तो रामलाल आएगा, फीमेल की बात करेंगे तो संतोष यादव आएगा। चलो आगे बात करते हैं। इनमें जो ऑप्शन दे रखे तीनों चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये देख लेते हैं अच्छे से। पहले बात करते हैं मांडवी गर्ग, इसका उत्तर तो संतोष यादव हो गया। पहले की बात करते हैं मांडवी गर्ग, मांडवी गर्ग भी पर्वतारोही है। कहाँ की रहने वाली है? हिसार की रहने वाली है जी। कहाँ की रहने वाली मांडवी गर्ग जी? हिसार की रहने वाली है। ये हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड पर्वतारोही, अंधी पर्वतारोही, हरियाणा की पहली अंधी पर्वतारोही, अंधी पर्वतारोही। तो मांडवी गर्ग कौन है? हरियाणा की पहली अंधी पर्वतारोही। शिवांगी पाठक की बात करें तो सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, सबसे कम एज की पर्वतारोहिया, रोही। सबसे कम उम्र की बात करेगा तो शिवांगी पाठक, अंधी की बात करेगा तो मांडवी गर्ग, और सबसे पहले फीमेल की बात करेगा तो संतोष यादव, मेल की बात करेंगे तो रामलाल। ये अनीता कुंडू जी कौन है? ये भी पर्वतारोही है हरियाणा की। ये भी कौन है? पर्वतारोही है। मांडवी गर्ग, अनीता कुंडू, शिवांगी पाठक, तीनों कहाँ से बिलोंग करती हैं? तीनों हिसार से बिलोंग करती हैं। अनीता कुंडू जी के बारे में बात करें तो ये हरियाणा की ऐसी पहली महिला है, ये हरियाणा की ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर दोनों साइड से चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट था ना, माउंट एवरेस्ट पर दोनों साइड से चढ़ाई की है, मतलब कि भारत की साइड से, नेपाल की साइड से चढ़ाई की है और चीन की साइड से चढ़ाई की है। और बात करें तो अपन पर्वतारोही की, एक तानसी और जुनसी का नाम सुना हो कभी? तानसी और जुनसी की बात करें तो दो सगी बहनें हैं। क्या है जी? दो सगी बहनें, दोनों पर्वतारोही हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं जी? सोनीपत से। कहाँ से जी? सोनीपत से। और बात करें अपन अजीत बजाज जी का नाम सुना हो कभी आपने? दिया बजाज और अजीत बजाज, दिया बजाज और क्या जी? अजीत बजाज। दोनों ये हैं पिता पुत्री हैं दोनों, दोनों पर्वतारोही हैं। इनका ये बिलोंग करती हैं कहाँ से जी? गुरुग्राम से। कहाँ से बिलोंग करती हैं दोनों पिता पुत्र? कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुरुग्राम से। एक है जी ममता सोद्धा, वो कहाँ से बिलोंग करती है? कैथल से। कहाँ से करती है? कैथल से। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पे? अच्छा प्रश्न है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पे है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है जी गुड़गांवा के अंदर। कहाँ पे है जी? गुड़गांवा के अंदर। किंगडम ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो कहाँ पे किंगडम ऑफ ड्रीम्स? गुड़गांवा पे। इसे क्या कहा जाता है? तितलियों का पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी इसे? तितलियों का पार्क कहा जाता है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स को क्या कहा जाता है? तितलियों का पार्क कहा जाता है। यहाँ पे क्या ओपन सेट सिस्टम है?
वो क्या होता है जी, ऐसा है कि दो अपने स्क्रीनर नहीं होते उनके ऊपर मूवी चला दी जाती है, और बिल्कुल ओपन छत नीचे, मतलब कोई ऊपर कुछ अपने छा छूत कुनू आ कर सीधा फिल्म देखने को पूरा मजो ले हुए हैं। वो कह जाए किंगडम ऑफ ड्रीम्स में जाए, जो एक जगह है हरियाणा का मैन कह जाए गुड़गांव का मैन। इसके अलावा बात करें डियर पार्क की, क्या की बात करें जी, डियर पार्क ये कहाँ पे, डियर पार्क हिरण पार्क जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई थी, कहाँ पे है जी, ये इसार के अंदर है जी, कहाँ पे है जी, इसार के अंदर है। इसके अलावा अपन हिसार की बात करें तो हिसार और फरीदाबाद में, हिसार और फरीदाबाद में क्या है जी, पहला हिसार दूसरा फरीदाबाद, इन दोनों में क्या है, हरियाणा के विशेष पर्यावरण न्यायालय, क्या है जी, हरियाणा के विशेष पर्यावरण न्यायालय। हिसार की बात करते हो हरियाणा के अंदर जो दूरदर्शन केंद्र है, कौन सा जी, दूरदर्शन केंद्र, वो एकमात्र है हरियाणा के अंदर, वो हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना 2002 के अंदर, कब जी, 2002 के अंदर अपने स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। दूरदर्शन केंद्र कितने हरियाणा के अंदर, एक है। आकाशवाणी केंद्र की बात करें अपन, आकाशवाणी केंद्र हरियाणा के अंदर तीन आकाशवाणी केंद्र हैं, आकाशवाणी केंद्र कितने हरियाणा में, तीन है, कहां कहां है जी, हिसार के अंदर एक, तो कहां कहां आकाशवाणी केंद्र, एक तो हिसार में है जी, एक रोहतक में है जी, और तीसरे की बात करो तो कुरुक्षेत्र में है जी, कहां पे है जी, कुरुक्षेत्र के अंदर है। चिड़ियाघर की बात करें तो चिड़ियाघर भी हरियाणा के अंदर कितने हैं, तीन ही हैं। चिड़ियाघर की बात करें तो हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं, तीन ही हैं। दो तो मिनी चिड़ियाघर हैं और एक चिड़ियाघर है, दो क्या है जी, मिनी है और एक पूरा चिड़ियाघर है। पूरे की बात करें तो यह है रोहतक में जी, कहां पे है जी, रोहतक में, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। दो मिनी चिड़ियाघर की बात करें तो एक है पीपली में, कहाँ पे है जी, पीपली, पीपली कहाँ पे है जी, कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे है जी, कुरुक्षेत्र में, पीपली कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, एक पीपली में, दूसरा कहाँ पे है जी, भिवानी में, कहाँ पे है जी, भिवानी के अंदर है जी। तो मोटी मोटी चीज़ें हिसार से रिलेटेड अपन चार पांच चीज़ें देखी अपन ने। तितलियों का पार्क कहाँ पे है जी, गुड़गांव के अंदर है। डियर पार्क की स्थापना हिसार के अंदर हुई थी, हिसार और फरीदाबाद दो विशेष पर्यावरण न्यायालय। अगला प्रश्न भी अपना यही है, चिड़ियाघरों की बात करें तो हरियाणा के अंदर तीन चिड़ियाघर हैं, दो मिनी चिड़ियाघर हैं, एक चिड़ियाघर पूरा है। मिनी की बात करें तो पीपली और भिवानी में, पीपली कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, इसकी स्थापना, दोनों की स्थापना 1982 में हुई थी। और जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना की बात करें तो रोहतक में, उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हरियाणा के अंदर तीन आकाशवाणी केंद्र है, मैंने बताया आपको हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र के अंदर। दूरदर्शन के अंदर कितना है, एक है। चलो आगे बात करते हैं, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है हरियाणा के अंदर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पे है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो है जी कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कहां पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जी कुरुक्षेत्र में, कहां पे है जी, कुरुक्षेत्र में, कहां पे है सरकार, कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्रों की बात करें तो हरियाणा के अंदर चार पांच प्रजनन केंद्र मोटे मोटे हैं, वो याद रखने आपको, पूछता है एचएसएससी बार बार प्रश्न पूछती है। मैंने आपको बताया था कल एक फीसेंट प्रजनन केंद्र, कौन सा जी, फीसेंट प्रजनन केंद्र, एक कौन सा बताया था आपको, चिड़िया प्रजनन केंद्र, एक बताया था मैंने आपको तीतर प्रजनन केंद्र। तीनों प्रजनन केंद्र को याद करने के मैंने कहा था इंसान की फजीती होती है देसी आदमी जो पंचकुला के अंदर जाता है, बताया था ना एक बार, क्योंकि वो धोती कुर्ता पहरे उड़े जींस टॉप वाला मिले तो बेइज्जती थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, फजीती हो जाए आदमी की है। तो फैसू की हो जाएगा फीसेंट प्रजनन केंद्र, ची से चिड़िया प्रजनन केंद्र, ती से तीतर प्रजनन केंद्र। ये तीनों प्रजनन केंद्र कहाँ पे हैं, मोरनी में, कहाँ पे है सरकार, मोरनी में, मोरनी कहाँ पे है जी, पंचकूला में, कहाँ पे है जी, पंचकूला के अंदर। एक प्रजनन केंद्र है गिद्ध प्रजनन केंद्र, कौन सा जी, गिद्ध प्रजनन केंद्र, वो कहाँ पे है जी, वो पंचकूला के अंदर ही है, कहाँ पे है जी, पंचकूला के अंदर, पंचकूला में कहाँ पे है ये, पिंजौर में है जी, कहाँ पे है जी, पिंजौर में, पिंजौर में एचएमटी फैक्ट्री मैंने आपको पहले बताई थी। अच्छा जी, इसके अलावा यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में भी एक वो अपना क्या नाम है प्रजनन केंद्र है, किस चीज़ का, ऊंट प्रजनन केंद्र, सॉरी ऊंट तो सिरसा के अंदर है, हाथी प्रजनन केंद्र, कौन सा जी, हाथी प्रजनन केंद्र, हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पे, बन संतूर में, कहाँ पे है जी, बन संतूर, एचएसएससी दो से तीन बार प्रश्न पूछ चुकी है कि हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पे, बन संतूर, बन संतूर कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर, कहाँ पे जी, ये यमुनानगर के अंदर। ऊंट प्रजनन केंद्र मैंने आपको बताया सिरसा के अंदर है। मोरनी, मोरनी हिल्स के बारे में बताया आपको, मोरनी के अंदर
तीन प्रजनन केंद्र है फीसेंट, चिड़िया, तित्तर। गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात करें तो पंचकूला के अंदर, झाबुआ, रेवाड़ी के अंदर भी एक प्रजनन केंद्र है। मयूर और मयूर प्रजनन केंद्र कहां पे, पहले ऐसे बताओ। मयूर प्रजनन केंद्र की बात करें तो वह है कैरू भिवानी के अंदर, कहां पे जी, कैरू भिवानी के अंदर। तो प्रजनन केंद्र 5-7 मैंने आपको बताया, दिमाग में रखना। अगला प्रश्न देखो, हसन खान मेवाती कॉलेज कहां पे, हसन खान मेवाती कॉलेज, हसन खान मेवाती कॉलेज कहां पे, ये तो मेवात के अंदर ही होगा, नाम में छुपा हुआ है मेवाती। आगे बात करें, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना मैंने आपको बताया 1986 के अंदर, दो मिनी चिड़ियाघर थे वो, 1982 में बने, एक तो पीपली के अंदर बना था और दूसरे की बात करें तो वो है भिवाणी में, कहां पे जी, भिवाणी के अंदर। दो मिनी चिड़ियाघर बताया था मैंने, टोटल चिड़ियाघर मैंने आपको 3 बताए थे। कलेसर पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया, अच्छा प्रश्न है, कलेसर पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया, कलेसर पार्क को राष्ट्रीय पार्क के दर्जा की बात करें तो वो था 2003 के अंदर, कब दिया गया था जी, 2003 के अंदर। कलेसर पार्क कहां पे है, ये यमुनानगर के अंदर है, कलेसर पार्क कहां पे, यमुनानगर के अंदर है। इसे नेशनल पार्क 2003 के अंदर बनाया गया। नेशनल पार्क हरियाणा में टोटल दो ही है, एक तो कलेसर वाला है और एक सुल्तानपुर है, एक कौन सा है जी, सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर को और भिंडावास को, हरियाणा के दो जगह है सुल्तानपुर और भिंडावास, ने रामसर साइट में घोषित किया गया है। अब तक शायद 75 रामसर साइट हैं टोटल इंडिया के अंदर। इसके अलावा 1991 में बात करें तो वो कौन सा था जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, सुल्तानपुर, उसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया 1991 के अंदर। सुल्तानपुर को पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, क्या, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, क्या कहा जाती, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया था 1972 में। सलीम अली जी कौन है, पक्षी वैज्ञानिक है। चलो आगे बात करते हैं, चिल्ली झील कहां पे है। देखो इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अपन बोलते हैं शेख चिल्ली का मकबरा तो कुरुक्षेत्र लगा देता है, चिल्ली झील का नाम आता है वो सोचता है शेख चिल्ली के मकबरे के आसपास ही होगी, लेकिन वो गलत है। चिल्ली झील की बात करें तो वो है जी फतेहाबाद में, कहां पे है जी, फतेहाबाद में। रोहतक के अंदर तिलियार झील है, तिलियार झील। पंचकुला के अंदर टिक्करताल झील है, टिक्करताल, कौन सी जी, टिक्करताल झील है। कुरुक्षेत्र के अंदर सन्निहित झील है, कौन सी झील है जी, सन्निहित झील, सन्निहित झील है। एक बिदकयार झील कैथल में है जी, कौन सी झील, बिदकयार झील, बिदकयार झील कहां पे है जी, कैथल में। ब्लूबर्ड ब्लैकबर्ड कहां पे है जी, हिसार में है, दोनों कहां पे है जी, हिसार में। इसके अलावा बड़खल झील कहां पे, बड़खल झील। एक झील आपने कभी सुना हो, बसई झील, कौन सी झील, बसई झील। एक उजीणा झील, उजीणा झील। एक चंदेली झील, एक कौन सी झील, चंदेली झील। ये दोनों कहां पे है, मेवात में। बसई झील की बात करें तो कहां पे जी, गुरुग्राम में जी, कहां पे जी, गुरुग्राम में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष हरियाणा की विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 90 किया गया। जब हरियाणा 1966 में बना था तब हरियाणा के अंदर 54 विधानसभा सीट हुआ करती थी, फिर कुछ सीटें 1967 में बढ़ी और 1977 में बढ़ाकर इन्हें 90 कर दी गई। कितनी कर दी गई सरकार, 90 कर दी गई। अगर बात करें अपन 90 की, 90 तो विधानसभा की सीट है, किसकी सीट है जी, विधानसभा की। 10 लोकसभा की सीट है, किसकी है जी, लोकसभा की। 5 राज्यसभा की सीट है, किसकी है जी, राज्यसभा की। 10 में से लोकसभा में से 2 सीट आरक्षित है, कहाँ कहाँ की जी, एक तो सिरसा की है सुनीता दुग्गल जी, वहां से एमपी साहब हैं, और एक अंबाला की है आरक्षित सीट। और कोइंसिडेंटली हरियाणा के अंदर 2 ही सैन्य एयरपोर्ट हैं, दोनों सिरसा और कहाँ पे, अंबाला में। रतनलाल कटारिया जी यहाँ से सांसद थे, उनकी हाल ही फिलहाल में मृत्यु हो गई है। विधानसभा की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल 90 विधानसभा सीट है, जिसमें 17 सीट आरक्षित है, 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। 5 जिलों के नाम कमेंट में करके बताओ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शिवालिक की पहाड़ी किस जिले में नहीं पाई जाती। एचएसएससी के सीईटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे 20-20 छपे हुए, देख लेना पहले। शिवालिक की पहाड़ी किस जिले में नहीं पाई जाती, तो आप सभी को पता है कि शिवालिक की पहाड़ी ऊपर ऊपर पाँव है, ऊपर ऊपर की बात करना तो अपने में इंद्रगढ़ से खड़ा और देखा तो ऊंची नया ठहर देखने पड़े थे। कड़े कड़े पंचकूला में बिल्कुल से, अंबाड़ा में बिल्कुल से, यमुनानगर में बिल्कुल से, तो सिरसा हुई है बैकवर्ड दे रहा पर लकूणा मैंने उड़े कड़े पाऊंगी शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी केवल उपला उपला कोणा में पाऊँ, अंबाड़ा से ऊपर ऊपर ने, अंबाड़ा होगा यमुनानगर होगा और
पंचकूला हो। शिवालिक की पहाड़ी के मायनी मोरनी हिल्स, कौन सी हिल्स हैं जी? मोरनी हिल्स पंचकूला का मायनी। अरे करो, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी से। अरावली की बात करें तो अरावली नीचा अंजपन गन, अरावली कट मैप में देखोगा ना तो जो शिवालिक की पहाड़ी बताए ऊपर नाक ठहर देखनी पड़ेंगी, अरावली अपने नीचा करता है। अरावली अपने महेंद्रगढ़ भिवानी इस साइड में गुड़गांव इस साइड निकल जाइए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें डोसी की पहाड़ी, कौन सी सर? डोसी की पहाड़ी से। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में सुराही कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ा फेमस पर्सन है सुराही, सुराही झज्जर की फेमस है। कहाँ की है जी? झज्जर की, जिसे शहीदों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे गोरैया पर्यटक स्थल है, कौन सा पर्यटक स्थल है जी? गोरैया। भीमेश्वरी देवी का मंदिर है यहाँ पे, क्या जी? भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। गरीबनाथ जी का मेला लगता है शायद यहीं पे। सोनीपत की बात कर लें तो सोनीपत के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है राई के अंदर, अपने क्या है जी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के अंदर है। सोनीपत में पहला महिला कॉलेज खानपुर कला के अंदर खुला था। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो मूरथल के अंदर खुला था। कहाँ खुला था जी? मूरथल के अंदर। ऐसे जो HSSC में पहले पर्सन आए हुए हरियाणा जी के, अपन रोज वो 20-25-30 कवर करते चलेंगे। अच्छे से तैयारी करो, ग्रुप सी के एडमिट कार्ड शायद आ चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले नोटिस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।